आचार्य देव कहते हैं, हमारे जगत के ऋषि मुनि कहते हैं कि कमल के बिना जैसे सरोवर शोभायमान नहीं होता। चाहे कितना ही अच्छा चेहरा हो लेकिन आंखें नहीं है, रोशनी नहीं है आंखों में, तो उस चेहरे की कोई महत्ता नहीं होती। चाहे कितना ही विशाल जिनालय बना लिया जाए लेकिन उसके ऊपर अगर कलश नहीं चढ़ाया जाए तो उस मंदिर की महिमा नहीं आती। उसी प्रकार से नारी चाहे कितनी ही सुंदर हो लेकिन उसके अंदर शील नहीं है, पतिव्रता नहीं है, तो ऐसी नारी की कोई महिमा नहीं होती। उसका प्रातः काल उठकर चेहरा देख ले, अगर वह नारी पतिव्रता नहीं है, व्यभिचारिणी है, उसके परिणामों में कई पुरुषों के प्रति मोह उत्पन्न होता है। ऐसी नारी का प्रातः काल चेहरा देख लो, आप चाहे कितना ही परिश्रम करो आपका काम होने वाला नहीं है। लेकिन पतिव्रता नारी का प्रातः काल उठते आपने चेहरा देखा है तो वह महाशुभ माना जाता है, शुभ शकुन माना जाता है। भावों का कितना ज्यादा संबंध है देखिएगा। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसी कई घटनाएं हुई है हमारे इतिहास में, जैन इतिहास में, जहां पर महापुरुषों ने अपने परिणामों को इतना निर्मल किया कि पूरे अपने भावों को, अपनी चेतना को विशुद्ध करने में लगा दिया। वर्षों पूर्व घटना है, दो भाई है, बड़ा भाई है भूदेव, जिन्होंने समय पाकर के मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लिया, संन्यास धारण कर लिया, और इसके उपरांत कई वर्षों के बाद में उन्हें ख्याल आता है कि मेरा एक छोटा भाई भी है, पता नहीं उसका जीवन किधर चल रहा है, मैं तो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा लेकिन वह कहीं संसार के विषय भोगों में न पड़ जाए, इसकी ये उम्र भी है, कहीं ऐसा न हो कि वह संसार के विषयों के कीच में, पंख में लथपथ होकर के अपना जीवन समाप्त कर दे। मेरा जीवन पल पल कितना आनंदमय है, वह विचार करता है कि ऐसी शुचिता, ऐसी पवित्रता को छोड़ करके कहां विषयों के पंख में पड़ा है, अरे अनंत बार विषय भोग भोगे कभी तृप्ति हुई ही नहीं, तृप्ति उससे हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तृप्ति जब भी होगी भेद ज्ञान, आत्मज्ञान, निर्मल भावों से, परम विशुद्धि से ही निश्चित रूप से तृप्ति होने वाली है। तो क्या करूं, उन्होंने अपने गुरु से कहा, आचार्य भगवान आज अगर आपकी आज्ञा हो तो पास में ही 2 किलोमीटर दूरी पर एक नगर है, वहां पर मैं आहारचर्या के लिए जाना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। तो गुरु तो महान थे, आचार्य थे, उन्होंने समझ लिया कि आज अपने गांव में आहारचर्या के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वो जानते थे कि ये गांव में जा रहे पर रागी नहीं है, ये परम वैरागी है, कुछ न कुछ विशेष कार्य के लिए ही जा रहे और वितरकता की प्रभावना करने के लिए ही जा रहे हैं, यह सोचा और उन्होंने अपने शिष्य को आशीर्वाद दे दिया और वह जाते हैं आहारचर्या के लिए। क्या हुआ, आहारचर्या के लिए गए हैं और वह ऐसा समय था कि चौराहे पर पहुंचे, आहारचर्या हुई उनकी, आहारचर्या के उपरांत वह जिस रास्ते से निकल करके आ रहे थे वहां पर शहनाइयां बज रही थी, जहां पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा था वहां शहनाइयां बज रही थी। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इतने में एक व्यक्ति ने देखा, अरे लो लो मुनि महाराज पधार गए, महाराज आ गए, चलो चलो दर्शन कर ले, बड़ा शुभ है। अभी तो दुल्हन ने घर में प्रवेश भी नहीं किया, आंगन में खड़ी है, कंगन बंधा हुआ है, टूटा भी नहीं है, और अभी तो सब कुछ कार्य शेष है, चलो चलो जल्दी से मुनिराज के दर्शन करो। और दूल्हे के कान में कहा किसी ने, महाराज श्री पधारे हैं नगर के अंदर, चलो इस समय पर बड़ा ही शुभ माना जाता है, घर में प्रवेश करो, इसके पहले मुनि महाराज का दर्शन हो जाए तो कहना ही क्या है, बड़ा ही पवित्रता का, निर्मलता का सूचक है। वैसे पवित्रता के सूचक के लिए कवियों ने कहा है, शुचि भूमि गतम तोयम, शुचि नारी पतिव्रता, शुचि धर्म परो राजा, ब्रह्मचारी सदा शुचि। जो सच में ब्रह्मचारी है, ब्रह्म यानी निज आत्म तत्व में लीन रहने वाला, उसकी उपासना करने वाला, जिसे अपने आत्म ब्रह्म की सुध आ गई है, ऐसे परम पवित्र माने जाते हैं। तो फिर जैसे ही
उसने सुना और वह दुल्हन को वहीं छोड़ा और मुनिराज के दर्शन के लिए मुड़ा। जैसे ही गया, पता नहीं जैसे जैसे जा रहा है कोई आकर्षण खींच रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना सा आ गया हो, अभी देखा भी नहीं है, लेकिन परमाणुओं में कुछ खिंचाव है, आकर्षण सा लग रहा है। और जैसे ही वह करीब में पहुंचते हैं, थोड़ी सी दूरी है, और जैसे ही देखा, ओह भैया, बड़े भ्राता, आप आ गए, भैया आप आ गए, आज मैं कितना खुश हूँ आपको देख करके, बेहद खुश हूँ। माता पिता तो बचपन में ही हमें छोड़ करके चले गए थे, जब आप 10 वर्ष के थे और मैं सिर्फ 8 वर्ष का था। आपने मुझे पिता का प्यार दिया, माँ का दुलार दिया, सब कुछ दिया आपने, और आप एक दिन घर छोड़ करके चले गए थे। मैंने आपको न जाने कहाँ नहीं ढूंढा, नगर नगर वन वन मैं डोलता रहा, मैं ढूंढता रहा, लेकिन आप नहीं दिखे, चले गए। फिर कुछ समय के बाद में मैं समझदार हुआ, मुझे पता चला कि आप मुनि बन गए, आपने संन्यास धारण कर लिया। भैया आखिर क्यों कर लिया आपने ये सब कुछ, मुझे छोड़ करके चल दिए आप, बोलते रहते हैं, लेकिन मुनिराज ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आप आ गए ना, आपने अपने भ्रातृत्व प्रेम का परिचय दे ही दिया, भैया आप आ गए। मेरा सबसे बड़ा दिन था आज, आज भी विवाह के बंधन में बंधने जा रहा था और आप आ गए, बहुत अच्छा किया भैया, सच में आज तो आपने मेरा सारा अभाव दूर कर दिया। चलो भैया चलो, भैया होते तब जाते ना, भैया तो है ही नहीं, अब भैया नहीं है, वो तो स्वयं के ही साथ में सारे रिश्ते छोड़ चुके हैं, अब इनका बाहर भी कोई रिश्ता नहीं है, सारे सारे रिश्ते उन्होंने अपनी आत्मा के साथ में जोड़ लिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं दुनिया में चाहे कितने ही रिश्ते नाते हों, वो सारे के सारे एक दिन टूट जाते हैं, कोई हमेशा के लिए अपना नहीं हो सकता, कई दुख के कारण बन जाते हैं तो कई तात्कालिक भ्रमात्मक सुख के कारण बनते हैं, सुखाभास के कारण बनते हैं, ये कोई मेरा नहीं है। उन्होंने अपने भेद ज्ञान के बल से सब कुछ जानते हुए भी पलक का स्पंदन तक नहीं हुआ, पलकों में प्रेम तक नहीं उमड़ा, और वहाँ जैसे आए थे वैसे ही लौट करके जाने लगे। छोटा भाई बोलने लगा, भैया रुकिए ना, रुकिए भैया, घर तक चलिए, आज आप कई वर्षों के बाद भी दिखे ऐसे शुभ दिन और आप चले जा रहे हैं, चलो भैया चलो। और वह बोलते बोलते भाई के प्रेम के वशीभूत हुआ, पीछे पीछे चला जा रहा है। लोग कह रहे हैं अरे आ जाओ, वो कहता है रुको रुको, मुझे कुछ बात तो कर लेने दो, उनके मुंह से कुछ शब्द तो सुन लेने दो, कुछ बोल नहीं रहे। भैया बोलो ना, आप बोलते क्यों नहीं, क्या मुझसे नाराज हैं आप, मैंने कुछ गलत नहीं किया भैया, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, बोलिए तो सही, एक बार अपने मुख से बोलिए। समय पर बोलना ही श्रेष्ठ है, समय के पहले बोलना अनुचित है, अच्छी बात नहीं है। चुप रहे, चले जा रहे हैं, और वह भी जब तक बोलेंगे नहीं, कुछ तो बोलो भैया। आखिर नगर निकल गया और बहुत सुंदर बगीचा आता है, वो बोलता है भैया ये वही बगीचा है जहाँ आप मुझे खेलने के लिए लाते थे ना, अपन दोनों बहुत घूमते थे इस बगीचे के अंदर, मालूम है आप फल तोड़ तोड़ करके मुझे खिलाते थे, कितने टेस्टी थे वो आम फल। हाँ भैया बोलो ना, वो बोलते ही नहीं और आगे बढ़े जा रहे हैं। एक सरोवर आया, सरोवर के पास वे खड़े रह गए और कहा भैया खड़े हो जाओ, लेकिन भैया खड़े नहीं होते, वो तो चलते चले जा रहे हैं, अभी उस दुल्हन से कोई संबंध नहीं हुआ है, हाँ उसके साथ में विवाह करना है ये तय है, अभी घर में प्रवेश भी नहीं हुआ है, कंगन भी टूटा नहीं है, और वो चले जा रहे हैं। एक तरफ दुल्हन का, नई दुल्हन का आकर्षण खींच रहा है, तो दूसरी तरफ बचपन से जिन्होंने माँ बाप बाप की भांति पाला है, पोसा है, उनका आकर्षण खींच रहा है। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर कहते भैया ये वही सरोवर है जहाँ आप मुझे तैराने के लिए लाते थे ना, मुझे तैरना सिखाते थे ना भैया, हाँ ये वही सरोवर है, देखो तो सही एक बार। क्या देखे सरोवर को जिन्होंने, भीतर के ज्ञान सरोवर को देख लिया है, बाहर के सरोवर को क्या देखना, बगी
बगीचे को भी नहीं देखा। क्या देखना बगीचे को, भीतर का वैराग्य का उद्यान जो फल फूल रहा है उसको जिन्होंने देख लिया, बाहर के उद्यान को क्या देखना। फिर और आगे बढ़ते हैं और जगह जगह के दृश्य को दिखाते हुए जाते हैं, लेकिन बाहर का दृश्य देख क्या देखना, जिन्होंने भीतर का अंतर जगत का स्वयं का दृष्टा जो आत्म तत्व देखनहारा है सबका, उसी को देख लिया, अब क्या देखना। शुद्ध परिचिदानु भूता, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, शुद्ध परिचिदानु भूता सवस्वी काम भोग बंध कहा ए तस्व लंबो नवरी न सुन हो विहतस। काम भोग और बंध की कथाएं तुमने अनंतों बार सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, लेकिन अगर अनुभव में नहीं आई आज तक ऐसी कोई अपूर्व कथा है तो वह है आत्मकथा, निज ब्रह्म तत्व की कथा, इसको सुनना भी नहीं चाहता है जी। दुनिया की कहानियां सुनना चाहता है, दुनिया की तरह तरह की मूवी देखना चाहता है, सब झूठी है, कुछ नहीं है। शुरुआत में सब मिले रहते हैं, बीच में सब बिछुड़ जाते हैं और अंत अंत में फिर मिल जाते हैं, मूवी समाप्त हो जाती है। हमारी जिंदगी की कहानी भी ऐसे ही अनंतों बार समाप्त हुई, लेकिन आत्मकथा किसको सुहाती है। बहुत विरले प्राणी हैं जो ये चाहते हो कि मुझे अब अपने भीतर जो तन के पार है, मन के पार है, ऐसी चेतन की कथा सुनना है जो अद्भुत है, जिसकी कथा सुनने के बाद में जिनका ब्रह्मचर्य, जिनका शील अडिग हो जाता है। मानतुंग स्वामी आदिश्वर प्रभु की भक्ति करते हुए मानतुंग स्वामी ने लिखा है 15वें श्लोक में, चित्रं किमत्र यदि त्रिदिशांग नाभिर नीतम मनागपि मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कि मंदराज शिखरं चलितम कदाचित। हे प्रभु आदिश्वर कहिए ना, कहिए प्रभु, क्या कहे प्रभु। और वह भक्त बोलता जाता है कि पर्वतों को हिला देने वाली प्रलय काल की तीव्र हवा के माध्यम से क्या सुमेरु का पर्वत छोड़ दो, उसकी चोटी भी हिलाई जा सकती है। नहीं, प्रलय काल की तीव्र प्रचंड हवाएं, उससे भी सुमेरु पर्वत छोड़ दो, इसकी चुली का चोटी भी हिलाई नहीं जा सकती। उसी प्रकार से हे राजा भोज, तू क्या हमें डिगाएगा, तू क्या डिगाएगा। मेरे आदिश्वर प्रभु, मेरे आदिश्वर प्रभु तो सुमेरु पर्वत के समान है, और इनके परम भक्त मानतुंग स्वामी वह चुली का चोटी के समान है। तो उनके भक्त को जो चोटी के समान है, चुली का के समान है, उन्हें भी हिला सकता है, हिला करके देख ले। मानतुंग स्वामी कहते हैं तू मुझे हिला नहीं सकता, तू क्या सुमेरु पर्वत को हिलाएगा, तेरे पास में इतना दम नहीं है। तुम जैसे आदिश्वर के भक्तों के पास में इतनी चेतना या इतनी तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति की तुम कह दो, क्या है दुनिया के अंदर इतनी ताकत जो हमें हिला दे, है दुनिया के पास में इतनी शक्ति जो हमारे मन को विकारों से भर दे। नहीं, चाहे कैसे भी दृश्य हो लेकिन हमारा मन विकारों से नहीं भर सकता। ग्रंथों में एक कहानी आती है, इंद्र ने अर्जुन का ब्रह्मचर्य खंडित करने के लिए रंभा को भेजा, सुंदर तम नारी और नग्न रूप में सामने आकर के खड़ी हो जाती है। धन्य है अर्जुन, वो क्या कहते हैं, जैसे अर्जुन देखते हैं और कहते हैं एक दृष्टि में देख, वो दिखा, देखा नहीं दिखा, और उन्होंने आंखें मूंद करके कहा हे माते, हे माते, इस सुंदर शरीर से अगर आपने मुझे जन्म दिया होता तो आपका यह बालक हे माता अति सुंदर आपके जैसा सुंदर होता। हे माता, इस बालक का प्रणाम स्वीकार करो। ओह क्या भाषा है, आज तो सुंदरता को देख करके भाषाएं बदल जाती हैं, नजरें बदल जाती हैं, गीत बदल जाते हैं, चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। कहाँ गया तुम्हारा शीर, जब फेरे डाले थे तो तुमने सौगंध ली थी कि बस एक ही पत्नी, एक ही पति, इसी के प्रति हमारा जीवन बंधा रहेगा, लेकिन कहाँ गया तुम्हारा वो विचार, कैसे विकार हो गए, आज घर घर खंडित हो रहे हैं, घर घर में प्रेम खंडित हो रहा है, घर के अंदर संस्कार खत्म होते चले जा रहे हैं। एक वो दृश्य था जब सीता जी का अपहरण हो गया, और अपहरण हो गया जगह जगह ढूंढना, कहीं पर भी मिली नहीं, तो जब आभूषण बिखरे हुए मिले, जब गिद्ध पक्षी ने रावण के
उस पुष्पक विमान में जा करके युद्ध किया था कि मेरी स्वामी की पत्नी को छोड़ दो, लेकिन आखिरकार उसे हार माननी पड़ी, वो नीचे गिर गया। वो अंतिम अंतिम तक भगवान का नाम रट रहा था और उसके माध्यम से कहानी लंबी होती है और पता चलता है किसी न किसी प्रकार से कि ये यहाँ पर आभूषण बिखरे हुए हैं। रामचंद्र जी ने देखा और कहा, लक्ष्मण तुम पहचानते हो, ये तुम्हारे भाभी के हैं ना, तुम्हारी भाभी के ही दिख रहे हैं, बताओ ना। तब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं सुनिएगा। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपुराण्यैव जानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। भैया मैंने भाभी के आभूषणों को कभी नहीं देखा, मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ भैया ये जो नुपुर है ना वो भाभी के ही है, वो मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने सदा भाभी के चरणों की वंदना की है, सदा भाभी के चरणों की वंदना की है और मैंने कुछ नहीं देखा, भैया ये भाभी के ही नुपुर है, मुझे विश्वास है। और फिर सीता जी की खोज शुरू हो जाती है। लक्ष्मण जी ने कभी सिर उठा करके अपने भाभी की ओर नहीं देखा। आज तो हम देखते हैं सारी मर्यादाएं नष्ट हो रही हैं। देवर की शादी में भाभी नृत्य कर रही है, बदन दिख रहा है, लोग देख रहे हैं, पता नहीं कितनों के भाव बिगड़ रहे हैं। एक बात पूछना चाहती हूँ, आखिर दूसरे पुरुषों के भाव बिगाड़ करके तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कईयों के शीर को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, ऐसे जीवों को फिर कभी स्त्री पर्याय भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। अनंतो भवो तक नपुंसक बनना पड़ेगा, बन जाओ नपुंसक, एक इंद्री दो इंद्री। अभी तुम अपने वस्त्रों को खोल खोल करके शरीर का अंग प्रदर्शन कर रहे हो, अब तुम्हें कपड़े पहनने को ही नहीं मिलेंगे। एक इंद्री से चार इंद्री तक नपुंसक की योनि में जन्म लोगे, अनंतो अनंतो बाद। बड़ी मुश्किल से तुम यहां तक पंचेंद्री होकर के आए और तुमने अपने अंगों का प्रदर्शन कर दिया, ओहो अनर्थ हो गया। एक लड़की को युवक ने छेड़ा था और जज के पास में ये जब केस पहुंचा तो जज ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि तुम इस लड़की को पहचानते हो? लड़का ने कहा, नहीं मुखर गया, मैं नहीं पहचानता इसे, पर चेहरे पर सच्चाई बिल्कुल टपक रही थी। उसने कहा, मैं सच में नहीं पहचानता, ये कौन है? तब जज ने दिमाग लगाया और उसने कहा कि सुनो, जिस वक्त तुमको छेड़ा था उस वक्त तुमने जो भी वस्त्र पहने थे वो वस्त्र वापस पहन करके तुम आओ। और वो लड़की वही वस्त्र पहन करके आई। दूर से पूछा उस लड़के से, पहचानते हो इस लड़की को? हाँ हाँ हाँ, ये वही लड़की है, अब मैं पहचान रहा हूँ। वस्त्रों के कारण से उस लड़के को उस लड़की ने छेड़ने को मजबूर कर दिया। आखिर क्यों ऐसे पहने जाते हैं, अपने चारित्र को भ्रष्ट करना? कहते हैं अगर धन गया, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, अगर शरीर का स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अगर चारित्र गया तो सब कुछ गया, सब कुछ खत्म हो गया।